अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम एक बार फिर एम क्यू कुकिंग में। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा ऑरेंज केक टी टाइम के लिए। एक अंडे से मैं आपको बताऊंगी कितना ज़बरदस्त सा हमारा ऑरेंज केक बनता है फ्लफी सा। तो यहाँ पे जो है हमने ले लिया है एक बाउल, उसमें हम ऐड करेंगे एग और इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे जब तक कि ये फ्लफी सा ना हो जाए और इसका जो है कलर चेंज ना हो जाए। अच्छा जी, अंडा फ्लफ़ी जब होता है जब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे अच्छी तरह से। साथ में जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर पीसी हुई, यानी कि हम नॉर्मल शुगर को ग्राइंड कर लीजिएगा। उसके बाद में हम ऐड कर देंगे, ये अकॉर्डिंग योर टेस्ट कि आप लोग शुगर कैसा खाना पसंद करते हैं तो वैसे ही आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। इसको भी अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसमें हम ऐड करना है 1 कप मैदा। मैदे को भी अच्छी तरह से आप लोग छान लीजिएगा। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और 1 पिंच जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 पिंच सॉल्ट। और साथ में जो है हम इसमें ऐड करेंगे वलीना एसेंस, अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को भी बीट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। सो यहाँ पर भी हम इसको बीट कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे एक ऑरेंज जूस, एक ऑरेंज का जो हमने जूस निकाल लिया था। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे, ऑब्वियसली ऑरेंज केक बना रहे हैं तो हम इसमें ऑरेंज का जूस ही ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपको लगे कि बैटर जो है आपका ठीक हो रहा है तो इसमें हम जो है डालेंगे मिल्क। मिल्क जो है आप चेक करके ऐड करिएगा। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर, कलर जो है हमने देने के लिए केक को ऐड करेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर नॉर्मली सबके घर में मौजूद होता है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा कितना कलर आपको रखना है। देन हमारे पास जो है एक खाली पैन है, उसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से बटर पेपर लगा कर। बटर पेपर ऊपर नीचे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ जो है हमने ग्रीस कर लिया था और देन जो है हम इसमें ऐड करेंगे अपना बैटर बना हुआ केक का। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक पैन हम गरम करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे जो है मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया था, अगर आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीला भी ले सकते हैं। इसको हम 10 मिनट तक तेज़ आंच पे गरम होने देंगे। उसके बाद जो है हम बैटर वाला पैन जो है इसमें रख देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको अच्छी तरह से बेक होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। दूसरी तरफ जो है हम जेली तैयार करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। अच्छी तरह से हम बॉयल होने देंगे पानी को और साथ में जो है 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे शुगर। अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। उसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ऑरेंज की छिलके और अच्छी तरह इसको भी मिला लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा अरोमा आएगा ऑरेंज का। और अगर मेरे वीडियो पे नए आने वाले हैं तो आप लोग कर लें मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें क्लिक, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और वीडियो आप लोगों ने पूरी वॉच करनी है, कोई स्किप नहीं करनी है। उसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गाढ़ा होने तक का वेट करेंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा देर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे।
साथ ही हमारा केक भी रेडी है। तो अब हम जो है इसको बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें बनाई हुई जेली ऐड करेंगे। अच्छा, जिसके जो हमारे पास पीसेस बच जाएंगे तो वो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसी के ऊपर लगाएंगे और उसके ऊपर असम्बल कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो है हम इसको ऑरेंज से टॉपिंग कर देंगे। तो ये ऑप्शनल है, नहीं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा ऑरेंज केक बिल्कुल रेडी है। तो आप लोग टी टाइम पे या आप लोग बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, या कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी आप लोग बना सकते हैं। तो अब दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार हेल्दी सा ही केक है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, सेम ही आईडी है MP Cooking के नाम से। तो अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।